माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाते हैं, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ही मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु से ही मौन की उत्पत्ति हुई थी। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान पूजा पाठ करने से व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। लेकिन बाकी व्रत त्योहारों की तरह ही इस बार मौनी अमावस्या की तारीख को लेकर भी लोगों में दुविधा बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है, जबकि कुछ लोग इसकी तारीख 10 फरवरी को बता रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या की सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगी, जो 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। इसलिए मौनी अमावस्या पर स्नान और दान कार्य 9 फरवरी को ही किया जाएगा, यानी 9 फरवरी को ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर गंगा में स्नान करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन प्रयागराज में माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान दान होता है। मान्यता है कि इस दिन देवता और पितर अदृश्य रूप से आकर नदी में स्नान करते हैं और उनके स्नान से जल पवित्र हो जाता है। ऐसी नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का अंत होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके कई त्वचा संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। इस दिन मंदिरों और धार्मिक स्थलों में हवन पूजन के कार्यक्रम भी किए जाते हैं। स्नान के अलावा इस दिन किए गए कुछ उपाय भी रातों रात आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अमावस्या के दिन पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान करना विशेष फलदायी माना जाता है। ज्योतिष की माने तो जल में तिल मिलाकर किसी पवित्र नदी के तट पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों को जल चढ़ाएं और पिंडदान करें। ये उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और वंश में बढ़ोतरी होगी। ज्योतिष शास्त्र में मौनी अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने के विधान के बारे में बताया गया है। इस दिन सामर्थ्य अनुसार चावल, कंबल, तिल, मिठाई, आटा, चीनी, दूध का दान करें, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन पशु पक्षी को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या पर आप कुत्ता, कौवा, चींटी, गाय को भोजन कराएं, इससे आपके पूर्वज जरूर प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का तेल, तिल के लड्डू, तिल, आंवला, कपड़े दान करने से कुंडली से पितृ दोष खत्म होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष या सूर्य दोष है तो एक लोटा जल में लाल फूल और तिल डालकर पितरों को याद करते हुए उसे सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य के साथ पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस बार मौनी अमावस्या पर खास योग बन रहा है, जो इसकी शुभता को कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। मौनी अमावस्या के दिन सबसे शुभ माने जाने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात को 11:29 पर समाप्त होगा। इस शुभ योग में मौनी अमावस्या का व्रत करने से अपार धन की प्राप्ति होती है और पूर्वज प्रसन्न होकर जीवन में सफल और संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी धर्मकर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।